Hello students, in today's class we are going to learn 8th standard English lesson number 4.1, that is the weight. Students, इस पर हम देखने वाले इसका question answer, so let's begin. Where do we find all types of wild animals in urban areas? So in the zoo. Do you have a pet? No, I don't have a pet. अगर आपके पास है तो आप बता सकते हो. How do we help animals and birds? We help animals and birds by providing them with food, water and shelter. We also help them by taking them to vets when they are ill. ठीक है. How do we realize that animals are not feeling well? कब हम realize कर सकते हैं? When animals are not well, they become quiet and inactive. Some may even groan. They also stop eating food. खाना पीना छोड़ देते हैं. Who gives medicines, treatment to sick animals and birds? तो veterinarian. तो ये जो veterinarian होते हैं वो क्या करते हैं? वो मतलब कि एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए स्पेशलिस्ट, तो यहाँ पे हु व्हाट दे ट्रीट, वो क्या किसका इलाज करते हैं. सो देखो यहाँ पे ये मैच द फॉलोइंग है, आपको ये मैच करना है. ठीक है. जैसे यहाँ पे देखो डेंटिस्ट क्या किस में मैच होगा, यहाँ पे टीथ में ना. तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे आ गया. तो यहाँ पे ये पूरा आंसर इसका मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे है. यहाँ पे देखो ये दो इधर रहे, कार्डियोलॉजिस्ट ये हार्ट का हुआ और ये रहा आंसर इधर पूरा, किसका कौन सा आंसर है आपको बताना है. यहाँ से फटाफट आप क्वेश्चन आंसर देखते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी पूरा क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं. तो फटाफट हम क्वेश्चन आंसर ही देखेंगे. डिस्कस इन योर क्लास एंड राइट डाउन द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न वाई पीडियाट्रिशियंस एंड वेटेरियंस हैव टू टफर जॉब टू डायग्नोज देयर पेशेंट इलनेस. क्यों मुश्किल है बीमारी को डायग्नोज करना, पहचानना. सो यहाँ पे देखिए आंसर दिया हुआ है, क्योंकि जो ये पेशेंट होते हैं वो अपने प्रॉब्लम को कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते. हम तो बता सकते हैं, लेकिन जो ये लोग होते हैं, जो ये डॉक्टर्स होते हैं लाइक पीडियाट्रिशियंस एंड वेटेरियंस, तो ये एनिमल्स का वो इलाज करते हैं, तो एनिमल्स थोड़ी बात कर पाते हैं. पैराफ्रेज यहाँ पे दिया गया, दिस इज़ अ विटी एंड लाइट हार्टेड पोएम. द पोएट बिगिंस बाय सेइंग दैट इफ़ वन वांट्स टू बी अ सक्सेसफुल एंड कैपेबल वेटरिनियन मींस वेट, वन नीड्स टू हैव एक्सट्रीमली वाइड नॉलेज फॉर ईच पेशेंट दैट द वेट गेट्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइजेस ऑफ बॉडी ऑर्गन्स इन हिज बॉडी. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पैराफ्रेज वाला आंसर देखो यहाँ पे दिया हुआ है. तो ये आंसर देखो, इसका आंसर यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके आगे से. हिप्पोपोटामस, यहाँ से आंसर स्टार्ट है वापस से, इज फीलिंग इल. तो बहुत बड़ा है यहाँ पे, आप देख पा रहे हो. यहाँ पे मैं एक बार आपको जूम इन करके बताती हूँ पूरा, धीरे धीरे इसे स्लो करके. रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग पोएटिक डिवाइसेस एंड वोकैबुलरी. तो यहाँ पे देखिए WH क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनाना है. तो देखो यहाँ पे आई मीन सम WH क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक आर कन्वर्टेड इन टू एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन. तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज क्वेश्चन आप देख पा रहे हो यहाँ पे. आगे देखते हैं हम. फाइव इलनेस मोस्ट अम्यूजिंग लाफेबल आंसर्स दिए गए हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्ट दिया गया आंसर. ओके. तो जो दिया गया है पैराग्राफ उसका यहाँ पे टफ वर्ड्स है, मीनिंग है उसके. कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटीज़ यहाँ पे दिया गया है. तो आंसर डायरेक्टली दिया गया है, जो यहाँ पे अंडरलाइन है वही आपका आंसर है. आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको ये आंसर नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे अंडरलाइन जितना किया गया आंसर ये सेकेंड वाला, फिर ये थर्ड वाला. पोएटिक डिवाइस यहाँ पे भी देखिए, व्हाट इज़ द राइमिंग राइम स्कीम
of stanzas 1, 2, 3, rhyming scheme of stanza 1, A, B, A, B, stanza 2, A, B, A, B, third ka bhi. What is the rhyme scheme of stanza 4 and 5? So, rhyme scheme of stanza 4, A, A, B, C, C, B, stanza 5 ka bhi same hai. Pick out an example of alliteration from the extract. If the bears too full of burns, repetition of the sound of the letter B, B. Okay, pick out an example of onomatopoeia from the extract. To answer diya gaya. Why the parrot does nothing but groan? The word groan indicates the sound. To ye kya hai? Ye sound ka hi bata raha hai na? From the extract, pick out the words that mean the same of following words. Make a sound of pain, moved. To yahan pe sab questions diye gaye hain. So, first ka hai groan. ठीक है, मतलब कराहना, तकलीफ होती है जब. मूव्ड तो इसका क्या है, स्टर्ड. वेरी मच सो एक्सीडिंगली कैपेबल, इसका कॉम्पिटेंट. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली. तो यहाँ पे देखिए दिया गया है क्वेश्चन और ये रहा आपका आंसर. देखिए डायरेक्टली यहाँ पे दिया गया है. ठीक है, तो ये आपकी बुक में दिखेगा लेकिन यहाँ पे ये ब्लैंक दिखेगा, बट ये गिवन आंसर. सो यू कैन राइट दिस आंसर एंड लर्न ऑल्सो. अब यहाँ पे देखो पैराग्राफ वापस से दिया गया है, पूरा पेज 77 से 78 तक ये पूरा पेजेस दिए, पैराग्राफ दिया गया है और यहाँ तक, और उससे जो रिलेटेड टफ वर्ड्स की मीनिंग है वो यहाँ पे दिया गया है. कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटीज़ कंप्लीट द फॉलोइंग. यहाँ पे देखिए अंडरलाइन डायरेक्टली दिया गया है. द जिराफ हैव गॉट स्टीफ नेक्स बिकॉज दे हैव बीन क्वरलिंग विद ईच अदर. सो द पर्ट कॉज द वेट ऑमनिसेंट. तो यहाँ पे देखिए जितने अंडरलाइन किए गए हैं वो सब आपके आंसर्स ही हैं. What is the poet's advice to you? Do you think he means it? क्या आपको लगता है उसका मतलब यही है? आंसर दिया गया, आप देख सकते हो. Is the poet really discouraging the youth from becoming vets? Explain your response. No, the poet is not really discouraging the youth. The poem is a light-hearted one. However, the poet wants the reader to know how difficult the work of a... मतलब यहाँ पे ये बताया गया कितना मुश्किल भरा काम होता है इनका, जो वेटरनियन होते हैं. आंसर दिया गया यहाँ पे, जो मतलब जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं वो. पोएटिक डिवाइसेस वोकैबुलरी तो यहाँ पे दिया गया है. व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ स्टेंजा 6 and 7? तो आप देख सकते हो दिखा गया है यहाँ पे. व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द लास्ट टू स्टेंजाज, वो भी यहाँ पे दिया गया है. पिक आउट एन एग्जाम्पल, यहाँ पर अल्टरेशन एंड एक्सट्रैक्ट आंसर इज गिवन. पिक आउट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑनोमेटोपोइया, सो यहाँ पे ये चोक्स क्या इंडिकेट करता है, ये भी साउंड इंडिकेट करता है. क्वेश्चन बेस्ड ऑन द होल पोएम, पूरा जो मतलब पूरा पोएम है उसके बेसिस पे क्वेश्चन दिया गया है. क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, उसका आंसर आप देखिए यहाँ पे है. राइट फोर रीजन व्हाई एनिमल्स इन अ जू सफर मोर देन दोज हु लिव इन फ्री इन द वाइल्ड. सिंपल सी बात है, जू में रहने वाले बेचारे ज़्यादा सफ़र करते हैं क्योंकि यहाँ पे उनको ज़्यादा स्पेस नहीं होता, इजी ट्रांसमिशन डिजीज़ हो जाता है इजीली, सब आते हैं उनको, जो भी लोग आते हैं उनसे जो बीमारी होती है हो जाता है, और पास पास रहते हैं जंगल में, कैसे दूर दूर रहते हैं. ट्रेवल फ्रॉम ह्यूमन विजिटर्स, जो लोग आते हैं मिलने के लिए. फूड लिमिटेड होता है, क्वांटिटी वैरायटी नहीं होती ज़्यादा. ठीक है, तो इनको प्रॉब्लम होती है. एनालिसिस अप्रिशिएशन ऑफ अ पोएम, तो यहाँ पे है पोएम एंड पोएट, थीम, टोन, स्ट्रक्चर, स्टेंजास, राइम एंड रिदम, पूरा आंसर दिया हुआ है, आप देखो अच्छे से. यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, फटाफट आपको आंसर शो कर रही हूँ, फटाफट आप लिख ले. ठीक है, राइटिंग स्किल यहाँ पे दिया गया है. एनी फोर जू एनिमल्स मेंशन, मतलब आपको सेलेक्ट करना है पोएम से. जैसे देखो यहाँ पे एनिमल्स, यहाँ पे दिया गया है एनिमल्स, जिराफ, टॉर्टोइस, कंगारू. आगे दिया गया है हिप्पो, टॉर्टोइस, जिराफ, कंगारू, हिप्पो, ऑल द अदर्स हाउ ट्रू. तो आंसर देख पा रहे हो आप क्या है ये. फॉर्मेटिव एवोल्यूशन, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो. सो स्टूडेंट्स अच्छे से देख लो सारे आंसर ये वाले. कोई डाउट रहे कमेंट में पूछे. चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर कर दीजिए, उन्हें भी बोलिए लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए चैनल, उन्हें भी बोलिए आप शेयर करने के लिए. और कोई ऐड आए तो उसे स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरा देखिए, डाउनलोड ना करके आप ऑनलाइन ही देखिए. इससे इस चैनल को ग्रोथ मिलने में हेल्प मिलेगा, ये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा चैनल के लिए. ओके, और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. जो आप मुझे कमेंट करते हो मैं वही वीडियो बनाती हूँ आपके लिए. कोई वीडियो चाहिए एक्सप्लेनेशन का या क्वेश्चन आंसर का, तो सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन.